हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बिना बैंक अकाउंट के पेटीएम अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी अपना पेटीएम अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं लेकिन आप लोग के पास बैंक अकाउंट नहीं है और आप लोग फिर भी अपना पेटीएम अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग बिना बैंक अकाउंट के पेटीएम अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। गाइज, मैं आप लोग को बिना बैंक अकाउंट के पेटीएम अकाउंट जो है क्रिएट करने का जो प्रोसेस बताऊंगा, उस प्रोसेस से आप लोग अपना पेटीएम अकाउंट क्रिएट कर लेंगे और आप लोग सारे के सारे आप लोग को पेटीएम में फैसिलिटी मिलेंगी। आप लोग किसी को भी पैसे भेज सकते हैं, किसी से भी रिसीव कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं, सारे के सारे पेटीएम में जो भी काम होते हैं वो सारे के सारे आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को ये जो है ज़रूरी नहीं है कि आप लोग के पास बैंक अकाउंट हो तभी आप लोगों ने पेटीएम अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे मैं आप लोग को बिना बैंक अकाउंट के ही पेटीएम अकाउंट क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो गाइस, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सोनू कुशवा और आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग को प्ले स्टोर से पेटीएम एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना होगा। लिंक भी मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना। इसके बाद इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद शुरुआत में ही आप लोग को नंबर डालने के लिए आएगा, तो अकाउंट है लॉगिन करने के लिए आएगा। तो इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पर आप लोग को मिलेगा ऊपर साइड में लोगो, तो लोगो पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ मिलता है आप लोग को लॉगिन एंड कंटिन्यू और यहाँ मिलता है क्रिएट एन अकाउंट। तो गाइस, आप लोग को अकाउंट क्रिएट करना है बिना बैंक अकाउंट के तो आप लोग को क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आप लोग को इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। अब गाइस, यहाँ पे आप लोगों को वो मोबाइल नंबर डालना होगा जिस मोबाइल नंबर से आप लोग पेटीएम अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं फटाफट से मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद प्रोसेस सिक्योरली पर आप लोग यहाँ क्लिक कर दीजिए। अब ये यहाँ पर बोल रहा है ट्राइंग विद सिम, तो यहाँ पर ये जो है आप लोग का कौन सा सिम स्लॉट है वो आप लोग यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे डजेंट नॉट मैच, तो यहाँ पे हमारा जो है सिम बन है वो मैंने जो नंबर डाला है वो सिम बन में पड़ा हुआ है स्लॉट, तो यहाँ मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर प्रोसेस पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। तो गाइस, यहाँ पे मिलता है आप लोगों को कंटिन्यू विद ओटीपी, तो मैं कंटिन्यू विद ओटीपी पे क्लिक करूँगा। अब आपके नंबर पर जो है ओटीपी सेंड की गई है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा वेट करूँगा और हमारे नंबर पर ओटीपी आ जाएगी। तो गाइस, ओटीपी हमारी ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो चुकी है, ये ओटीपी आ चुकी है। अब गाइस, यहाँ पे मिलता है आप लोगों को लिंक बैंक अकाउंट। तो गाइस, यहाँ पे आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तब आप लोगों को यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहे हैं, बस यही ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे देखना होगा। तो यहाँ मिलता है आई विल लिंक बैंक अकाउंट लेदर, मैं बाद में बैंक अकाउंट को लिंक कर लूँगा। तो यहाँ पे मिलता है लिंक बैंक अकाउंट, अगर आप लोग यहाँ क्लिक कर देंगे तो आप लोग को बैंक अकाउंट को लिंक करना पड़ेगा। और यहाँ पे मिलता है आप लोग को आई विल लिंक बैंक अकाउंट लेदर, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग बिना बैंक अकाउंट के ही अपना पेटीएम अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पे मिलता है आई विल लिंक बैंक अकाउंट, यहाँ मैं क्लिक कर दूंगा। अब हमारा जो है ये सेटअप हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे मैंने जो है अपना डॉक्यूमेंट्स में वेरीफाई करा के रखा है, तो यहाँ पे आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए आएगा। इसमें पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से आप लोग के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उन डॉक्यूमेंट्स का आप लोग नाम और नंबर डाल के वेरीफाई करा लीजिए। तो आप लोग की जो मिनी केवाईसी है पेटीएम की वो यहाँ पर हो जाएगी। अब गाइस, यहाँ पे आप लोग जब मिनी केवाईसी हो जाती है तो इसका इंटरफेस इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर मैंने जो अपना फ़ोटो वगैरह लगा लिया, तो आप लोग भी अपना फ़ोटो वगैरह यहाँ से लगा लेना। अब गाइस, यहाँ पे आप लोगों को जो मिलता है यहाँ पे पेमेंट सेटिंग, ये आप लोगों को मिलता है प्रोफाइल सेटिंग, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं प्रोफाइल पे जो है क्लिक करूँगा। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ईमेल आईडी यहाँ पे आ रही है और मोबाइल नंबर यहाँ पे आ रहा है और ये पेटीएम वॉलेट स्टेटस है। ये अगर आप लोगों ने यहाँ पे डॉक्यूमेंट पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप लोगों ने यहाँ पे नहीं लगाया होगा तो आप लोग को इनएक्टिव यहाँ पे आएगा, तो आप लोग को यहाँ पे एक्टिवेट करवाना होगा। अब यहाँ पे मिलता है आप लोग को अपग्रेड, अपग्रेड पे जो है क्लिक करेंगे, तो अपग्रेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मिलता है आप लोगों को अकाउंट स्टेटस समरी, तो यहाँ पे मिलता है आप लोग को क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे अगर आप लोग इसको जो है फुल केवाईसी करवा लेते हैं पेटीएम की। तो आप लोग सेंड मनी फ्रेंड, अपने फ्रेंडों को मनी सेंड कर सकते हैं, ट्रांसफर मनी टू बैंक, आप लोग बैंक में जो है मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं, और मेंटेन बैलेंस अप टू 1 लाख, आप लोग अपने बैलेंस को जो है 1 लाख रुपये तक जो है करके सेव करके रख सकते हैं। और यहाँ मिलता है ओपन सेविंग अकाउंट, और आप लोग अपना जो पेटीएम सेविंग अकाउंट होता है वो भी आप लोग यहाँ पे ओपन कर सकते हैं अगर आप लोगों ने पेटीएम की फुल केवाईसी करवा लेते हैं। यहाँ मिलता है अपग्रेड योर अकाउंट नाउ, यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। बाकी की जो मिनी केवाईसी होती है वो आप लोग खुद से जो है 1 मिनट में ही कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन जो आप लोग की जो फुल केवाईसी होती है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है।
तो यहाँ पे मिनी केवाईसी जो आप लोग को मिलता है, फुल केवाईसी और वीडियो केवाईसी, ये दो मिलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये वीडियो केवाईसी है। यहाँ पे आप लोग जो है क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग अपना आधार कार्ड का नंबर डाल के और नाम डाल के यहाँ पे आप लोग को प्रोसेस करना होगा। और प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे आप लोग से एक एजेंट जो है कनेक्ट होगा पेटीएम का, और वो एजेंट आपसे जो है वीडियो कॉल पे बात करेगा और आप लोग इसे सिग्नेचर लेगा, आपका फ़ोटो लेगा और आप लोग का पैन कार्ड लेगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आप लोग यहाँ पे अपने पास तैयार रखिए और तो आप लोग बिना पेटीएम ऑफिस जाएँ, आप लोग घर पर बैठे ही अपने पेटीएम की फुल केवाईसी यहाँ से करवा लेंगे। तो गाइस यहाँ पे अब आप लोग को यहाँ पे मैं फिर से आप लोग को दिखाता हूँ, अगर आप लोग यहाँ पे जो है वीडियो कॉल पे जो है पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे मिलता है विजिट ए नियर बाई केवाईसी स्टोर, यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आप लोग की लोकेशन में जो भी पास यहाँ पे लोग होंगे, जो भी पास के जो है यहाँ पे पेटीएम ऑफिस होंगे, वो यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे जाएंगे। तो पेटीएम पॉइंट जो भी होंगे तो वो आप लोग को दिखाई दे जाएंगे और नाम भी दिखाई दे जाएगा कि कहाँ पे हैं ये पेटीएम पॉइंट। अब गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, ये अग्रवाल कम्युनिकेशन है और ये एसएस कंप्यूटर से नवाटेड़ा, ये बरनाल में है, और ये प्रेम कंप्यूटर सेंटर ये नवाटेड़ा में है। तो गाइस यहीं से आप लोगों को कांटेक्ट करना होगा। अब ये मेरे बरनाल में पड़ता है, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन और डायरेक्शंस। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को जो है कॉल का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दीजिए और ये नंबर आ जाता है। यहाँ पे आप लोग के पास कोई और नंबर आएगा, इनसे आप लोग कांटेक्ट करके यहाँ पे उनके ऑफिस पे जा सकते हैं और केवाईसी अपनी करवा सकते हैं। बाकी का डायरेक्शंस मिल जाता है, यहाँ पे डायरेक्शंस पे क्लिक करेंगे तो आप लोग का मैप्स ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग मैप्स को फॉलो करके आप लोग वहाँ पे उनके जो है पेटीएम जो है पॉइंट पे जा सकते हैं और आप लोग उन्हें पेटीएम की फुल केवाईसी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसी लोकेशन को फॉलो करके मैं अपने पेटीएम की फुल केवाईसी जाके वहाँ पे पेटीएम पॉइंट पे करवा लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा जो है पेटीएम में जो है देख सकते हैं टू बैंक यहाँ मिलता है, आप लोग यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो बैंक है यहाँ पे लिंक नहीं है और यहाँ पे आप लोगों को मिलता है लोगो। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए आ रहा है, लेकिन मेरे पास बैंक अकाउंट लिंक नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास कोई भी बैलेंस भेजेगा तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है मिल जाता है सेंड मनी और आप लोग को ये ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। और बैलेंस हिस्ट्री पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग के बैलेंस जितना भी रहा होगा यहाँ पे तो वो दिखा दिया जाएगा। तो मेरा जीरो बैलेंस है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे किसी के अकाउंट से जो है यहाँ पे मैं अपना बैलेंस यहाँ पे भिजवा लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक रुपये जो है भिजवाया है, तो मैं बैलेंस हिस्ट्री पे जाऊँगा तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे एक रुपये, यहाँ पे देख सकते हैं एक रुपया मेरे पास यहाँ पे आ चुका है, जो मेरा जीरो बैलेंस था यहाँ पे। और ये देख सकते हैं यहाँ पे 8:18 टूडे में यहाँ पे रिसीव हुआ है प्लस एक, तो एक रुपया मुझे यहाँ पे मैंने रिसीव करवाया वो यहाँ पे आ चुका है। अब गाइस यहाँ पे अगर आप लोग को किसी को जो है बैलेंस भेजना है तो आप लोग कैसे भेजेंगे, और तो आप लोग यहाँ मिल जाता है देख सकते हैं सेंड मनी। तो यहाँ पे आप लोग को टू मोबाइल मिल जाता है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे, मोबाइल के थ्रू आप लोग किसी को भी पेमेंट भेज सकते हैं, स्कैन टू आप लोग स्कैन करके आप लोग पेमेंट भेज सकते हैं, और टू सेल्फ यहाँ मिल जाता है आप लोग खुद के बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं, और टू अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल के मोबाइल नंबर डाल के पैसे भेज सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टू मोबाइल पे क्लिक करूँगा तो मोबाइल नंबर डाल के मैं पैसा भेजूँगा, यहाँ मैं सिलेक्ट करूँगा मोबाइल नंबर डालूँगा यहाँ पे, तो यहाँ मिल जाता है मोबाइल नंबर डालने के लिए, और यहाँ मिल जाता है, यहाँ मैं सिलेक्ट करूँगा इसको, और यहाँ पे मिलता है पे पे मैं क्लिक करूँगा। और यहाँ पे अगर आप लोगों ने पेटीएम की फुल केवाईसी करवा लेते हैं तो यहीं से आप लोग अपना जितना अमाउंट भेजना है उतना आप लोग डाल के यहाँ पे कर दीजिए और आप लोग की अमाउंट जो है सेंड हो जाएगी। अब गाइस मोबाइल का जो है रिचार्ज वगैरह आप लोगों को करना है तो मैं आप लोगों को चलिए दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मिलता है आप लोगों को, यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्ट मोबाइल रिचार्ज, तो जिसका जो जिस टेलीकॉम कंपनी का रिचार्ज करना है वो आ जाती है यहाँ पे, और जो भी रिचार्ज आप लोग को करना है तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा जियो का, और आप लोग अपने जियो का नंबर डाल के यहाँ पे, और यहाँ पे जियो का नंबर डाल के आप लोग यहाँ पे जो जितना भी प्लान है वो सिलेक्ट करके आप लोग यहाँ पे अपना रिचार्ज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मिलता है पे इंस्टेंट फास्ट, पे पे क्लिक कर दीजिए और आप लोग का रिचार्ज यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो गाइस यहाँ पे आप लोग बिना बैंक अकाउंट के अपना पेटीएम अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। और गाइस यहाँ पे आप लोग को मैंने कैसे यूज़ करना है वो भी मैंने आप लोग को बता दिया है। गाइस अगर आप लोग को बिना बैंक अकाउंट के पेटीएम अकाउंट क्रिएट करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलेगा, मैं आप लोग को रिप्लाई जरूर से कर दूंगा। सो गाइस अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।